हेलो गाइस, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मेरे पास कम से कम 10-15 कॉल आ चुके हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं कीफ में और खारकीफ में स्टक हो चुके हैं और बहुत पैनिक हो रहे हैं। वो बहुत पैनिक हो गए क्योंकि वहाँ सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो रही है। आप लोगों को पता है उन्होंने मोस्टली अटैक कीफ और खारकीफ पे कर रखा है अभी। तो मेरी रिक्वेस्ट है हमारी सरकार से, हमारे मोदी जी से, जो भी हैं हमारे एम्बेसडर, वो कह रहे हैं कि उनके एम्बेसी में कॉल किया बट उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। बट वो आप लोग समझे, एम्बेसी में भी बहुत प्रेशर है, वो सबसे बात कर रहे हैं, कॉल लाइन उनकी लाइंस बिजी जा रही है, इवैक्यूएट कर रहे हैं वो, क्योंकि मेरी उनसे 3-4 बार बात हुई है, उन्होंने मेरे को अच्छे से समझाया बताया है। और एक फेसबुक पे और है हमारे सर, उनका नाम है राव माधुकी, एक मैं आपको नाम लिख के दे देता हूँ, उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी जैसे ही फ्री होते हैं उन्होंने कॉल किया, उन्होंने भी बताया, बात की है। तो प्लीज़ आई नो बहुत सिचुएशन क्रिटिकल है बट फिर भी सरकार हमारी कर रही है जितना वो कर सकती हैं एंड वो और अच्छे से करेंगी, बट फिर भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे लाएं ताकि बच्चे पैनिक हो चुके हैं, बहुत पैनिक हो गए हैं, स्पेशली कीव और खारकीव। खारकीव में काफी बच्चे पैनिक हो रहे हैं, वो कह रहे हैं एक जगह स्ट्रक है, वहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं। इवन वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कोई लोग आते हैं घुसने की कोशिश करते हैं, उसके चक्कर में वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और पता नहीं है कि वो कौन लोग हैं, क्या होना है कौन नहीं है, वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। एक ही रूम में, बड़े से रूम में काफी सारे लोग बैठे हुए हैं और सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं नो डाउट, बट प्लीज हेल्प आवर, बहुत ज्यादा वो पैनिक में है, बहुत ज्यादा परेशान है। और किसी को भी अगर किसी चीज की नीड है, विल ट्राई टू हेल्प जितना हम कर सकते हैं। नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, हम आपको कनेक्ट कर देंगे जो लोग हेल्प कर रहे हैं उनसे, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, या आप किसी के, अगर आप कहीं जगह पे हैं आप किसी की हेल्प कर सकते हो, या आप स्टक हो तो कोई आपकी हेल्प कर सकता है, आपके पास अकोमोडेशन हो, वार्म क्लोथ्स हो, बिकॉज वेदर इज वेरी कोल्ड, किसी को खाना चाहिए हो, कुछ भी, अगर किसी के पास ग्रोसरी स्टोर है और कोई पैसों का जुगाड़ नहीं है तो आप नीचे अपना कार्ड नंबर दे सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, मैं थोड़े बहुत पैसे जो मुझसे हो सकेगा मैं आपके कार्ड में भी डाल सकता हूँ ताकि आप ग्रोसरी बाय कर लो। कुछ भी हो आप कॉन्टैक्ट करो अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से, या फिर अब एम्बेसी से, हमसे, जिससे जितनी हेल्प हो सकेगी वो करेगा, करेगा प्लीज गाइस, डोंट पैनिक प्लीज। और अगर आप लोग लिवीव में हो तो प्लीज स्टे देयर, और अगर लिवीव में हो तो स्टे देयर, वो सेफ है, अभी तो सेफ है एटलीस्ट। और अगर आगे बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हो तो प्लीज बस, ट्रेन, टैक्सी से क्रॉस करो, इट्स मच बेटर, फास्टर। आप अगर किसी कार से आ रहे हो, पर्सनल कार से, तो बहुत ट्रैफिक है, मैं खुद स्टक हूँ, आज थर्ड डे है मेरा यहाँ पे, एंड जो ऑन फुट थे वो ऑलरेडी निकल गए हैं, वो हमारे बाद आए थे, वो तो कोई कल चला सुबह चला बट उनकी सिचुएशन इज वेरी वेरी वर्स्ट, मतलब वो भी, उन्हें भी 3 दिन लगे हैं, 3 डेज वो सोए नहीं है, वॉक कर रहे थे, आज तो स्नो भी हो रही थी। सो गाइस प्लीज हेल्प एवरीवन, एम्बेसियां लगी हुई हैं, सरकार लगी हुई है, डोंट वरी सब सही होगा एंड प्रे फॉर यूक्रेन प्लीज, ये वॉर बंद हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए। सो गाइस प्लीज अपनी वीडियोस जो आप लोग बना रहे हैं स्टूडेंट्स, उसके नीचे मेंशन करो कि आपका नाम, आपकी लोकेशन, पूरी लोकेशन नहीं बट कहाँ पर हो आप, कुछ तो आइडिया होगा आप लोगों को, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर कुछ तो बताओ कि आप कहाँ हो, आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें, आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर कुछ, बस आप लोग वीडियोस में बता रहे हो हम स्टक हैं, प्लीज ये बताओ कि आप लोग कहाँ हो, कि अगर कोई भी वीडियो देखे, कोई एम्बेसी वाले या कोई भी एम्बेसडर या कोई भी जो आपकी हेल्प कर सकता हो, कोई भी इवैक्यूएट करने में, या कोई वहाँ से निकल रहा हो, कोई भी अगर आपकी वीडियो देख रहा है तो उसे पता चले कि आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करना है, तो एटलीस्ट अपना कॉन्टैक्ट नंबर तो बताओ फ़ोन पे, अपने अपने घर सेफली पहुँच जाएंगे, डोंट वरी, सरकार हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।